गुजरात में तूफान के खतरे से निपटने के लिए तैयारियां अब तेज हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तूफान से निपटने के लिए की गई तैयारियों पर एक बैठक की। उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर बातचीत कर उन्हें हर संभव मदद देने का भरोसा दिया। केंद्र सरकार लगातार गुजरात सरकार के संपर्क में है। गृहमंत्री अमित शाह भी आज विज्ञान भवन में डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में बिपोर्जॉय तूफान के ऊपर भी चर्चा की जाएगी। मौसम विभाग ने अनुमान लगाया कि 15 जून को 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार के साथ तूफान बिपोर्जॉय गुजरात के तटीय इलाकों से टकराएगा। ऐसे में तूफान के खतरे से निपटने के लिए तैयारियां तेज हो गई। प्रधानमंत्री ने भी तूफान से निपटने के लिए की गई तैयारियों का जायजा लिया और राहत बचाव कार्य के लिए अलर्ट रहने का निर्देश दिया। IMD ने बताया कि तूफान बिपोर्जॉय का सबसे ज्यादा असर गुजरात में देखा जाएगा, जिसे देखते हुए गुजरात के तटीय इलाकों के 2 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी इलाकों को खाली करवाया जा रहा है। हमारे सौराष्ट्र कच्छ की तटीय इलाका में 15 की सुबह तक पहुंच जाएंगे और फिर 15 की दोपहर तक वो लैंडफॉल कर जाएंगे। IMD के मुताबिक गुजरात के सौराष्ट्र, कच्छ, वलसाड और पोरबंदर में इसका असर देखा जाएगा, जिसकी वजह से कई पेड़, बिजली के खंभे और टेलीफोन लाइनें उखड़ सकती हैं। ऐसे में इन इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की अपील की गई है। इसके अलावा 16 जून तक मछुआरों के समुद्र में जाने पर भी रोक लगा दी गई। तूफान से निपटने की तैयारियों पर प्रधानमंत्री ने भी बैठक की। केंद्र सरकार इस मामले में लगातार गुजरात सरकार के संपर्क में है। और उधर तूफान के खतरे के बीच केंद्र सरकार लगातार गुजरात सरकार के संपर्क में है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तूफान से निपटने की तैयारियों को लेकर एक बैठक की थी, जिसके बाद उन्होंने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से फोन पर भी बात की और हालात का जायजा लिया। PMO ने बताया कि बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री ने मुसीबत की इस घड़ी में गुजरात को हर संभव मदद का भरोसा दिया। मैं मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी तूफान को लेकर कोई भी ढील बरतने के मूड में नहीं है। इस बीच देर रात उन्होंने गांधीनगर में बनाए गए इमरजेंसी कंट्रोल रूम का दौरा किया और तूफान से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। चक्रवाती तूफान बिपोर्जॉय के आने से पहले मौसम विभाग ने महाराष्ट्र में भी अलर्ट जारी किया और लोगों को समुद्र से दूर रहने की सलाह दी, क्योंकि तेजी से आगे बढ़ रहे तूफान की आहट अभी से दिखने लगी है और समुद्र में ऊंची लहरें उठने के साथ ही तेज हवाएं भी चल रही हैं, जिसकी वजह से समुद्र के किनारे जाने वालों को खतरा हो सकता है। इस बीच महाराष्ट्र के रत्नागिरी का एक वीडियो सामने आया, जिसमें समुद्र में उठी तूफानी लहरों ने किनारे पर मौजूद लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। लहरें इतनी विशाल थीं कि एक ही बार में उन्होंने किनारे पर बने कई कैंप को उखाड़ डाला। इसी तरह की ऊंची और तूफानी लहरों की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की। मुंबई में भारी बारिश और तूफान की आशंका जताई गई और 15 जून को तूफान के पश्चिमी तटरेखा तक पहुंचने की चेतावनी दी गई। मौसम विभाग की चेतावनी के बाद प्रशासन ने महाराष्ट्र के सभी मछुआरों को समुद्र में जाने से मना करने के आदेश दिए हैं और लोगों से भी समंदर से दूर रहने को कहा गया है। और इसके साथ ही रेलवे विभाग ने भी तूफान के खतरे को देखते हुए कई कदम उठाए हैं। गुजरात में समंदर के किनारे वाले इलाकों में हवा की रफ्तार बढ़ने के बाद रेलवे ने वहां जाने वाली करीब 70 ट्रेनों को रद्द कर दिया, जबकि तूफान का असर बढ़ने पर कई और ट्रेनों को रद्द किया जा सकता है। पश्चिमी रेलवे लगातार तूफान की निगरानी कर रहा है, इसके लिए कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। गाड़ियां अभी इस 2-3 दिन में नहीं चलाएंगे, जब ये साइक्लोन हिट कर देगा उसके बाद अगले दिन से जब नॉर्मल होगा तब गाड़ियां शुरू करेंगे। इस बीच गुजरात के कच्छ में मौजूद पंडित दीनदयाल बंदरगाह को भी खाली करा लिया गया, इसके बाद वहां आने जाने वाले ट्रकों को भी एहतियातन एक जगह पर खड़ा कर दिया गया। बिपोर्जॉय तूफान की आहट के बीच समुद्र के बीच एक तेल कंपनी के कर्मचारी फंस गए। फंसे हुए कर्मचारियों को निकालने के लिए कोस्ट गार्ड को रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा। समुद्र में नावों और जहाजों की आवाजाही बंद होने की वजह से कर्मचारियों के निकलने के सारे रास्ते बंद हो गए और तेल कंपनी के कर्मचारियों के पास निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा था। ये कर्मचारी गुजरात के ओखा के समुद्र तट से करीब 50 किलोमीटर दूर समुद्र के बीचों बीच काम कर रहे थे। जैसे ही तूफान की आहट के कारण समुद्र में लहरें उठने लगी, जहाजों की आवाजाही बंद हो गई, तभी कोस्ट गार्ड ने इन फंसे हुए कर्मचारियों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। हेलीकॉप्टर के जरिए तेल कंपनी के 11 कर्मचारियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। तूफान के कारण समुद्र में तेज लहरें उठनी शुरू हो गई, इसलिए हर तरह के जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई। मुंबई के जूहू चौपाटी इलाके में